पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की टीकाएं हमारे जिन जिन वैष्णव आचार्यों ने लिखी उनमें जो बेहतर टीकाएं हैं, बढ़िया टीकाएं हैं, उत्तम टीकाएं हैं, उसमें से एक टीकाकार हैं परम पूज्य श्रीधर स्वामी जी। श्रीधर स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में हरिनाम की महिमा गाई है। उस हरिनाम की महिमा को हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्राक्तन आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं। गर्मी का मौसम में ज्यादातर भाग के बीच में बैठ रहे हैं, बूढ़े हेडफोन के सब तपस्या है। इस तपस्या से नहीं होगा हरिनाम के बिना हमारा गुजारा है ही नहीं। हरिनाम के बिना हम लोग भवसागर से पार तर नहीं सकते हैं। तपंतु तापई माने चारों तरफ से आग जलाई हो और ऊपर तपती धूप हो, ऐसी कठोर तपस्या कोई करे या महाराज श्री ने कहा शीर्षासन करे सिर नीचे पैर ऊपर, इस तपस्या से पुण्य मिल सकता है लेकिन भक्ति नहीं। इस तपस्या से महाराज श्री ने कहा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। पहाड़ और उठकर युगपात करके एकदम रूम पर मर जाएंगे, उससे भी नहीं मिलेगा। भावार्थ दीपिका की अगली कड़ी पर्वतन तो पर्वतात्, कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पर जाकर वहां से छलांग लगा दे या अटन तो तीर्थानी सारे तीर्थों का भ्रमण करें, इससे भी जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम तो मिलेगा ही नहीं। महाराज श्री देखो भावार्थ दीपिका के एक एक स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं
बराबर परिणाम। आपने सुना महाराज श्री ने कहा कि कोई व्यक्ति सारे ग्रंथों को याद कर ले, चारों वेद, 18 पुराण, वेदांत, महाभारत, रामायण, सारे ग्रंथों को याद कर ले, सब ग्रंथों को कंठस्थ करना मुश्किल, कंठस्थ कर भी ले तब भी भगवत प्रेम नहीं मिलता है। यजन तो या गई, कोई व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करे। महाराज श्री ने एक एग्जाम्पल दिया बड़ा सुंदर कि मैं हैदराबाद गया था, वहां पर 40 मन देसी घी उससे हवन कुंडों में हवन किया जा रहा है। तो मैं सोचने लगा ये घी कहां से लाए। मैंने उनको पूछा घी कहां से लाए, कहते बाजार से। बाजार से घी लाए आप, उतने डालडा भी हो सकता है, वो तो भैंस का, ऊंट का और जानवरों का भी हो सकता है, इससे नहीं फल मिलेगा। महाराज जी ने कहा पवित्र घी होना चाहिए, गाय की सेवा करी जाए, गाय की सेवा से दूध और दूध से दही, दही से फिर घी। महाराज श्री कहते चाहे 10 किलो चाहे 1 किलो घी से, लेकिन पवित्रता से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े बड़े यज्ञ भी करे तो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। और आगे देखो भावार्थ दीपिका के भावों के अर्थों को व्यक्त कर रहे हैं हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। तर्क वितर्क करना, पंडित देखा भगवान का नाम करके जब मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। यजंतु या गई वदंतु वादई, कोई बड़े 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 यज्ञ करे, यज्ञों से भी भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यज्ञ करने से पुण्य मिल सकता है, स्वर्ग इत्यादि जा सकते, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे में। वदंतु वादे, बहुत वाद विवाद करे, विद्वता से वाद विवाद आप कर सकते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका, सिर्फ एकमात्र तरीका, हरि बिना नैव तरन्ति। बिना हरि नाम के किसी को भी भवसागर से पार जाने का अधिकार नहीं है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको अपने शब्दों में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया कि दुनिया के सारे असंभव संभव हो जाएं, लेकिन बिना हरि भजन के, बिना हरि नाम के कोई भवसागर से पार होगा कदापि नहीं। उन्होंने तो बोला वारी मते गृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, पानी को रड़कने से, पानी को रड़कते रड़कते उसमें से मक्खन नहीं निकले। गोस्वामी जी थे मक्खन की बात छोड़ो, डायरेक्ट घी निकलना शुरू हो जाए, और कोलू में रेत को पीड़ने से चाहे तेल निकलने लग जाए, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति बिना हरि नाम के, बिना हरि भजन के भवसागर से पार होगा कदापि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और महान भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी एक ही बात पर हैं कि हमें हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।